जहां लोग प्राइवेट विद्यालयों के ग्लैमर से आकर्षित हैं, वहीं बेसिक शिक्षा परिषद का उच्च प्राथमिक विद्यालय छपिया जयदेव गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन के साथ जन सहयोग से संसाधन एकत्रित कर विद्यालय को आकर्षक बनाकर विद्यालय के अध्यापक गण बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। पुलवामा के शहीद विजय मौर्य के गांव देवरिया जनपद के छपिया जयदेव में स्थित क्लास 6, 7 व 8 के बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल और संसाधन एकत्रित कर अपना योगदान कर रहे हैं। प्रधान अध्यापक ताहिर अहमद ने बताया कि इलाके के संभ्रांत जनों ने कंप्यूटर सेट, प्रोजेक्टर, इन्वर्टर, सिलाई मशीन, फूल गमले आदि उपलब्ध कराए हैं, जिनकी देखरेख करने का जिम्मा विद्यालय के बच्चों ने उठा रखा है। विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का जन्मदिन भी मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में जन सहयोग के माध्यम से हमारे यहाँ प्रोजेक्टर के अलावा हमारे यहाँ बैटरी और इन्वर्टर लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ हमारे स्टाफ के बहुत से सहयोग सहयोग के द्वारा हमारे यहाँ बच्चों के पढ़न पाठन में जो भी सुविधाएं मिल रही है, मतलब अच्छा लाभ मिल रहा है। और यहाँ हमारे जन सहयोग जो आप जो ग्रामीण लोग भी है, हमारे यहाँ जो भी विद्यालय में जो भी बाहर भी जो भी पौधे चाहे गमला रखे हैं, सारे लोग का सहयोग है। कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है, विद्यालय का अपना सबका सपोर्ट रहता है। इसमें हम लोग भी बच्चों के साथ आपस में मिलकर और पठन पाठन में मतलब अच्छा सहयोगता मिलती है और अच्छा सहयोग मिलता है। जो आप मेरे पीछे ये भवन देख रहे हैं, जिसको एक ट्रेन का रूप दिया गया अपने मेन बिल्डिंग को, मुख्य भवन को, इसके पीछे जो नई शिक्षा नीति के तहत बाला कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब हम भवन को इस प्रकार से आकर्षक बनाए कि इसे देख करके बच्चे इसे सीखे, इस पर आकर्षित हो और आपके विद्यालय में पढ़ने आए। इसी आधार पर इसका हम लोगों ने इसको तैयार किया है और बच्चे इससे काफी आनंदित भी होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में सफर करते करते शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।